पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोग कहते हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है, हम सारे बुजुर्ग सुपर सिटीजन भी मानते हैं कि हमारे देश ने विकास करा। इसके बदले में हमें आने वाले समय में कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, इन चीजों से वो अनजान है। इंटरनेट में अश्लील वीडियो क्यों डाले जाते हैं, कोई जरूरी है, और किस मकसद से डाले जाते हैं, और इतने घटिया डाले जाते हैं कि अगर हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें और हमारे माएं अगर उन वीडियो को देखें तो शायद वो सोच सोच के आधी हो जाएंगी, खाना भी नहीं खाएंगी। हमारा निवेदन है, आज का युवा हमारी कल की पूंजी है। जब हम उस पूंजी को बर्बाद होते हुए देखते हैं और जब वो इंटरनेट को देखता है, रात को देर से सोता है, सुबह वो देर से उठता है, अगर उसके गार्जियंस उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त वो बड़ा खराब सलूक करता है और उठ के नहीं देता। दिन पे दिन शरीर भी कमजोर होने लगता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। तो ये सब चीजें कहाँ से चालू होती हैं, क्यों होती हैं? मैं बेर बेर एक सुपर सिटीजन होने के नाते और एक अपने देश के की पूंजी को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता। इसलिए मैं हर बार ये कहता हूँ कि हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े उन वीडियो को देखें और देखने के बाद अपने दिल पर हाथ रख के फैसला करें कि इस वीडियो को देखने के बाद उन बच्चों की क्या हालत होगी। आज माँ बाप का कहना नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के अपने सिटीजन से रिक्वेस्ट है कि वो इसमें आवाज उठाएं, धरने प्रदर्शन करें, हर खत लिखें और जल्द से जल्द इन वीडियो को बंद कराएं। हमें इंटरनेट से कोई झगड़ा नहीं है, ये वीडियो ना डालें जिससे हमारे युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। इसका असर आपको अभी नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ साल बाद अवश्य लगेगा कि हम बर्बादी के कगार पर आ गए। हर घर में माँ बाप परेशान होंगे, हर जगह हमें अपने बच्चों के आदतों के अनुसार अपना शीश झुकाना पड़ेगा। इसी की वजह से आज दिन रात अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। मैं एक बार अपनी माँ बहनों से और बुजुर्गों से भी कहूँगा कि वो देखें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों पर ध्यान दें। बच्चे माँ बाप की और देश की पूंजी होते हैं। जय हिंद, जय भारत। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।